पेरिस फ्रांस के जनवरी महीने के साल 2023 के इमीग्रेशन खुलन जा रही है। उस तो पहला मैं तुहानू दसांगा कि फ्रांस के प्रेजिडेंट इमैनुअल माखरों ने जिहड़ी इस हफ्ते इंटरव्यू दित्ती आ एक टीवी चैनल नू उन्होंने की कहा है। उन्होंने कहा है कि जिहड़े लोगों ने इस साल दमौंद की आ फोमियन दमौंद की आ अपने पेपर जिन्होंने पहली बार जमा करवाए आ ते वो साढ़े तो जिहड़ा हजे जवाब लोगों नू नहीं दिता जा रहा, जवाब देन दे विच सानू देरी लग रही आ। साढ़े जिहड़े परफेक्चर आ उह काम बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे आ, जिन्हां ने कार्ड रीन्यू वास्ते भी अपने पेपर जमा करवाए हुए आ उस सिस्टम दे विच भी सानू देरी लग रही आ। साल 2023 जनवरी महीने तो यह सारा सिस्टम तेज़ कर दिता जाएगा। एक नवी वैबसाइट बनाई जाएगी जिस दे उपर सारे लोग आपो अपने पेपर आपो अपनी कैटागरी दे विच अपलोड करिया करनगे। उस तो बाद उन्हां नू रीसीबीसी जिहड़ी आ उह ऑनलाइन ही उत्थे उपलब्ध करवा दित्ती जाया करेगी ते उन्हां नू जदों कार्ड दी रंदेवू होया करेगी ते उह उस टाइम अपने पेपर लैके आउणगे ते उन्हां नू जिहड़ा कार्ड आ उह दे दित्ता जाया करेगा। ते उन्हां ने इमीग्रेशन दी भी गल कीती आ कि पार्लीमेंट दे विच इह भी एक मुद्दा रख्या जाएगा कि वर्करां दी वाकया ही फ्रांस दे विच लोड़ आ। अलग अलग सैक्टर ने जिदा कि रेस्टोरेंट के जरूरत है, एग्रीकल्चर के बातीमा के साल 2024 के फ्रांस के ओलंपिक खेडा हो जा रही ने, इस करके फ्रांस के जी तराबो आ वह कंट्रक्शन का काम बहुत जोर के उपर चल रहा है। बहुत जोड़े वर्कर की शॉर्टेज आ रही है। हूँ लोग कहे कि लोग तो इतने वेले बैठे आ, वर्कर की शॉर्टेज किड़े पास्य होगी। वर्करों की शॉर्टेज हैगी जिहड़े पेपर वाले आ कि पेपर वाले लोग बहुत घट ने जिन्हों तो वह काम करवा सकते हैं। तो एक डिबेट के भी गल सामने आई आ कि इन्होंने एक डाटा कढ़िया है जिस दे विच इन्होंने दस्या आ कि तकरीबन 25% तो लैके 30% के विचकार लोग जिहड़े आ बाहरले मुल्कां दे गैर मुल्की थरौंजे जिहड़े आ उह बातीमा दे काम दे विच ने, ते 25-30% के आस पास ही लोग जिहड़े आ उह रेस्टोरेंट ते होटल खोल के बैठे आ उह भी इथरौंजे ने, यानी कि बाहरों आए हुए लोग ने। ते उहनां दे विच्चों जिहड़े 18-20% जिहड़े किचनां दे विच काम करदे ने, रसोईयां दे विच काम करदे ने, चाहे रेस्टोरेंट दीआं हो गईआं चाहे होटलां दीआं हो गईआं, ते उह भी जिहड़े बाहरले मुल्कां दे लोक ने, उहनां दे विच इंडियन, पाकिस्तानी, बंगलादेश, अरब कंट्रियां तो आए हुए, अफ्रीकन कंट्रियां तो आए हुए सारे गैर मुल्की लोग ने, उन्होंने इथरौंजे कहा जाता है फ्रांस के जिहड़े गैर मुल्की लोग होंदे ने। तो उन्होंने कहा है कि जिहड़े इत्थों दे फ्रांस के लोग ने उह काम करके खुश नहीं हैगे ते उह सौखा काम लभदे ने, ते जिहड़ा जिन्ना ज़्यादा मेहनत वाला काम भारा काम उह बाहरले मुल्कां वाले लोगों ने सांभिया होया आ, यानी कि इथरौंजिया ने सारा काम सांभिया होया आ। ये तो हो गई उन्हें अलग गल कि इमीग्रेशन लैके तो मैं सारी गलबात क्लीयर करती आ। तो हुण मैं तुहानू दस्सूंगा भी कैटागरियां भी कि कैटागरियां ने, कि डाकूमेंट चाहिए ने। सब तो पहला जेकर तुसी फ्रांस के पेपर लेना चाहते हो तो तुसी फ्रांस के मौजूद होने के तुहाडे कोले सबूत होने चाहिए ने। उन्होंने मेन सबूत जिहड़ा हैगा आ उह एम्पू वाला पेपर, यानी कि टैक्स वाला पेपर। तो जिहड़े ये फ्रांस के पेपर ने इन्हां दे विच कोई भी पेपर जिहड़ा आ उह जाली नहीं बन सकता। ये ना सोचियो कि भी इटली जां पुर्तगाल जां स्पेन वांगू तुसीं एक भी पेपर जाली बना के लगा लोगे तो तुसीं फ्रांस के पेपर लै लोगे। यही उन्हां वास्ते ही आ जिन्हां दे कोल इत्थे फ्रांस दे विच रहिंदिआं नूं टाइम हो गया आ, उन्हां कोल सारे सबूत ने ते उन्हां नूं कोई हथ पला नहीं फड़ा रहा। तो उन्हां वास्ते बहुत वधिया मौका आ अपने पेपर जमा करवाउण दा ते पेपर लैण दा। टैक्स वाला पेपर एम्पू वाला जरूरी आ। तुहाडे बैंक अकाउंट दीआं सारीआं डिटेलां जिहड़ीआं हो गईआं वी तुसीं सही चल रहे हो, ते तुहाडा डाक्टरी कार्ड ते तुहाडा बस दा पास, इन्हां सारीआं जिहड़ीआं डिटेलां तुहाडीआं लगनगीआं, ते तुहाडे कोल इक एड्रैस प्रूफ जिस नूं डोमिसाइल किया जांदा आ उह होणा जरूरी आ। ते सब तों मेन पेपर लैंग्वेज वाला A1 तुहाडे कोल उह सर्टिफिकेट होणा जरूरी आ। जेकर तुसीं A1 लैंग्वेज वाला नहीं कीता तो अपने एरिए दी मैरी दे विच जाओ, उन्होंने कहो कि मैं जिहड़ा आ फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहुंदा आ ते मैनूं जिहड़ा आ चाहिए आ टाइम चाहिए, दसो कि टाइम टेबल आ, जां तुहानूं उह एड्रैस दे देणगे। कई मैरियां पढ़ाउंदियां ने, क्लासां लगवाउंदियां ने, जां उहनां कोल एड्रैस हुंदे आ जिहड़े फ्री दे विच हुंदे ने जां पैसिआं वाले हुंदे ने। तुहाडे कोल बहुत सोहणा मौका आ जिहड़े मेरे वीर टैस्ट कर दे सकदे आ,
जरूर वो A1 का टैसट करो लैंग्एज वाला, वो जरूरी मनिया जाएगा पेपर देने दे विच, क्योंकि जो पिछले जो इलैक्शन होए थे उदों भी प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने यही कहा कि जो लैंग्एज वाला टैसट यानी कि फ्रेंच बोली वाला एक पेपर आ वो जरूरी A1 लैवल जरूर रखा जाएगा जिन्होंने असी फ्रांस के पेपर देवे। इस करके लैंग्एज वाला जो सर्टिफिकेट जो बनता है वो पास ध्यान दौ मैरी के जाके भी तो एरिए कितने क्लासा लगदिया ने उत्थे जाके क्लासा लाओ उतों तुम वह सर्टिफिकेट लाओ तो वह पेपर एक तो बहुत वधिया एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उस तो बाद जेकर तुम रेस्टोरेंट के काम करते हो तो फिजदियाँ पियाँ तो कौंथला लगेगा तो पतरून थोड़े पेपर जमा करवा सकेगा तो जोड़े पेपर ईजी मिल जाएंगे। बातीमा वाले भी सेम फ्रांस के सारे प्रूफ जो भी थोड़े को काम का कॉन्ट्रैक्ट तो फिजदियाँ पियाँ तो रेस्टोरेंट हो गए बातीमा हो गए तो एग्रीकल्चर वाले हो गए। एग्रीकल्चर के अपना कोई बंदा है ही नहीं गा तो आह दो कैटागरियां बचदियां ने कंट्रक्शन वाली रेस्टोरेंट वाली। बाकी जेकर होर कोई भी अपडेट आई तो मैं थोड़े नाल जरूर साझी करांगा। इस वीडियो में वध तो वध शेयर कर दिओ तां जो हर एक तक पहुँच जाए तो सारे जाने प्रूफ बनाने वाले पास ध्यान दिओ तां जो जदों इमीग्रेशन खुले तो तुसीं आपो अपने पेपर जमा करा सको तो फ्रांस के पेपर तुसीं लै सको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।